अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप चाहते हैं और आपको 15.6 इंच साइज का लैपटॉप थोड़ा बड़ा लगता है तो ये लैपटॉप शायद आपके लिए है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल 14 इंच गेमिंग लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस इस लैपटॉप के बराबर नहीं है और इस वजह से ये लैपटॉप अलग निकल कर आता है। दोस्तों, ज़्यादातर 15.6 इंच एंड 7.3 इंच के लैपटॉप्स इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए भी Zephyrus Z14 ने मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। दोस्तों, जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि मैं परफॉर्मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ओवर डिज़ाइन। दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस ही नहीं देगा तो आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। इसके अनकॉमन स्क्रीन साइज़ की वजह से ये लैपटॉप मार्केट में पहला लैपटॉप बन जाता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन 7 नैनोमीटर AMD Ryzen S सीरीज़ के CPUs के साथ आ रहा है। दोस्तों, जिस यूनिट का हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो कंसिस्ट करता है ऑक्टाकोर Ryzen 9 4900HS प्रोसेसर, जो डायरेक्टली कम्पीट करने के लिए बनाया गया है ऑक्टाकोर इंटेल कोर i9 9880H प्रोसेसर के साथ और i9 9980H के प्रोसेसर के साथ। दोस्तों, इस प्रोसेसर को पेयर किया गया है RTX 2060 Max-Q ग्राफिक्स कार्ड के साथ। 14 इंच की कैटेगरी में ज़्यादा गेमिंग लैपटॉप्स तो हैं नहीं, जो हैं भी वो सब 1.5 लाख से ऊपर के आते हैं। हम Zephyrus Z14 को कंपेयर कर रहे हैं अपर मिड रेंज एंड हाई एंड अल्ट्रा थिन गेमिंग लैपटॉप से, जैसे कि Razer MSI GS65, Alienware M15 R2 एंड अदर Asus Zephyrus लैपटॉप्स। कुछ लोग चाहते होंगे ये लैपटॉप 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर में भी बनना चाहिए था, तो आप लोग निराश मत होइए, Zephyrus Z15 आ रहे हैं और वो लैपटॉप 15.6 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आएंगे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इस लैपटॉप के हाइलाइटेड फीचर्स और परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स पर। दोस्तों, अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप का जो हायर वेरिएंट है वो आता है 4000 सीरीज Ryzen 9 4900HS प्रोसेसर के साथ, जो कि 4.3 GHz तक बूस्ट हो जाता है, और इसका जो लोअर वेरिएंट है वो Ryzen 7 14800HS प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि बेसिकली बूस्ट हो सकता है 4.2 GHz तक। दोस्तों, ऐसे सब नोटबुक्स जो गेम्स प्ले करने के काबिल हों ये अनकॉमन नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जो इंटेल के कोर यू सीरीज CPU, GeForce MX और GeForce GTX Max-Q ग्राफिक्स के साथ आते हैं, और वो ठीक भी हैं, क्योंकि 14 इंच में और कितना पावरफुल CPU एंड GPU फिट किया जा सकता है। लेकिन Zephyrus Z14 में इस केस में स्पेशल है, ये लैपटॉप स्पेशल है क्योंकि इसमें लगाया गया है एक ऑक्टाकोर AMD Ryzen 9 4900HS CPU और एक GeForce RTX 2060 Max-Q GPU। ये दोनों चीज़ें ब्यूटीफुली 14 इंच के स्ट्रक्चर में फिट की गई हैं। जब पावरफुल कंपोनेंट्स को एक छोटे से लैपटॉप में फिट करना हो तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, और Asus ने इस टास्क को शानदार तरीके से किया। हमने इस लैपटॉप को कई तरह से टेस्ट किया है, तो आप इसके जो बेंचमार्क्स हैं वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। इससे आपको इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लग जाएगा और आप अच्छे से चूज़ कर पाएंगे इस लैपटॉप को। आपको इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्यों इस लैपटॉप में Ryzen 9 4900HS एंड GeForce RTX 2060 Max-Q ही लगाया गया है। कंपनी ने Ryzen 9 4900H एंड GeForce RTX 2060 क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो पाया इस लैपटॉप के लिमिटेड 14 इंच साइज़ की वजह से। हो सकता है Ryzen 9 14800H 15.6 इंच वाले Zephyrus में यूज़ किया जाए। AMD ने ये क्लेम किया है 35 वॉट वाला Ryzen 9 4900HS सिर्फ 10% स्लोअर है उसके फुल फ्लैज 45 वॉट वाले Ryzen 9 4900H प्रोसेसर से। अगर आप मोबाइल प्रोसेसर से फैमिलियर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब कंपनी के सामने चैलेंज होता है एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में पावरफुल CPU एंड GPU को लगाने का, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए कंपनी को हीट को भी मैनेज करना होता है। आइए अब इस CPU के कुछ और स्कोर्स पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, Asus ने 8GB की रैम स्टिक को इसके मदरबोर्ड पर ही सोल्डर कर दिया है और एक ही स्लॉट खाली है SODIMM स्लॉट, जिसमें आप अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली आप 24GB रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बात है ये कॉमन है और भी सारे Zephyrus M एंड Zephyrus G लैपटॉप्स के साथ। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं इस लैपटॉप के ग्राफिक्स कार्ड एंड उसकी परफॉर्मेंस पर डिटेल में। दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली इस लैपटॉप के हायर वेरिएंट में RTX 2060 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाया गया है। दोस्तों, ये बेसिकली बूस्ट हो सकता है 1285 MHz तक, जो कि बेसिकली 65 वॉट कंज्यूम करता है, और इसका जो लोअर वेरिएंट है उसमें मिलता है आपको GTX 1660 Ti
6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों इसकी बूस्ट क्लॉक है 1435 MHz। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। दोस्तों इस लैपटॉप में आपको मिलती है 14 इंच की नॉन ग्लेयर WQHD डिस्प्ले। दोस्तों ये जो रिजोल्यूशन है इस डिस्प्ले का ये है 120 हर्ट्ज मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ पर 100% sRGB आपको देखने को मिलेगी। ये डिस्प्ले Pantone वैलिडेटेड है। एडेप्टिव सिंक का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है और इसकी जो बेसिकली ब्राइटनेस है वो है 300 निट्स की। रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो इस डिस्प्ले का रेस्पॉन्स टाइम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है। ये इसका जो डिस्प्ले का रेस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा ही लगता है 15 मिली सेकेंड से। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो बेसिकली ये है कि ये ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे ग्रे जो कलर है उसको स्लोली प्रोसेस करता है और जो कहीं से भी 3 मिली सेकेंड एंड 5 मिली सेकेंड के डिस्प्लेज का जो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम होता है उनके पास भी नहीं आता है। दोस्तों इस तरह के जो डिस्प्ले हैं अच्छे वाले डिस्प्ले 3 मिली सेकेंड एंड 5 मिली सेकेंड वाले ये 15.6 इंच के MSI GS65 और Asus Zephyrus S लैपटॉप्स में अवेलेबल हैं। अदर फीचर्स की बात करते हैं इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है इंटेल का Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0। इसका जो रेगुलर वेट है वो 1.6 kg है और अगर आप एनिमी मैट्रिक्स के साथ में ये लैपटॉप लेते हैं तो आपको जो वेट पड़ेगा वो 1.7 kg पड़ेगा। दोस्तों बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिलेगा और ये स्पेशली लैपटॉप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो कि एक सोफेस्टिकेटेड सा पोर्टेबल लैपटॉप चाहते हैं, पोर्टेबिलिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उन लोगों के लिए लैपटॉप है और बेसिकली उन गेमर्स के लिए भी है जो कि पोर्टेबिलिटी अच्छे से प्रेफर करते हैं और चाहते हैं कि उनका लैपटॉप जो है वो लाइट वेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स को उनको खिलवा सके ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने इस लैपटॉप के बारे में काफ़ी कुछ बातें कवर की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर की है जो बेसिकली आपका डिसीजन बनाने में हेल्प करेगी कि आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मैं और भी ज़्यादा शानदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। आपको सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या आपका कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के शानदार वीडियोस फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।